तेरा तो मैं फोन हैक कर लूंगा, फिर देखियो क्या होता है तेरे साथ। बड़ा आया डी बोस, डी के बोस, मेरा फोन हैक करेगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ, मुझे ना बैंक से कॉल आया और वो एक फ्रॉड कॉल था। वो कह रहा था कि बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है। मुझे कैसे पता चला वो फ्रॉड है, क्योंकि वो कह रहा था कि वो मेरा केवाईसी पेंडिंग है, वो करना चाहता है, वो भी फ़ोन पे केवाईसी कर देंगे मेरा, बिना बैंक जाए, बिना कोई फॉर्म डिपॉजिट किए, आधार कार्ड दिए, और वो फ़ोन पे ही कर देगा केवाईसी। तो मैंने उसको बोला, काम करो भैया, आपने मुझे 10 मिनट बाद कॉल करना। तो मैं क्या करूँगा ना, इस बार इस फ्रॉड से ना थोड़े मज़े लूँगा, थोड़ा फ़न करेंगे इस बार। तो देखते हो क्या क्या चीज़ें मांगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगता है फ्रॉड करने के लिए, क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है फ्रॉड करने के लिए। सो लेट्स सी, उसको कॉल अब कभी भी आ सकता है, तो देखते हैं। कॉल आ गया, कॉल आ गया, वेट वेट। हेलो हेलो, हाँ जी सर, फ्री हो गए अब? हाँ 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 भैया, फ्री हो गया, मैं फ्री हो गया, बताइए। तो सर, जैसा कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं हो रखा, ठीक है, तो मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ताकि मैं आपका केवाईसी अपडेट करवा सकूं। या भैया एक बात बताओ, ये केवाईसी फोन पे कैसे होगा, क्योंकि मुझे जितना पता है केवाईसी के लिए तो बैंक जाना पड़ता है, वो आधार के लिए आधार वाधार जमा करना पड़ता है, फॉर्म वॉर्म जमा करना पड़ता है। अरे वो पहले होता था सर, कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने बोला है कि कस्टमर को बैंक में मत बुलाओ, दिक्कत हो सकती है, फोन पे केवाईसी अपडेट कर दो। अब तो आप सारे स्मार्टफोन होते हैं सबके पास। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको मेरे एंड से क्या चाहिए बताइए। सर छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहले तो आप अपना नाम, पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करवा दीजिए। अच्छा पूरा नाम, अच्छा लिखिए। हाँ जी सर, मैं स्पेल आउट कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लीजिए साथ साथ, आराम से बताइएगा जी। हाँ लिखिए, BHAAG। आपकी आवाज कट रही सर, क्या सर? बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, BHAAG। हाँ जी। BOSE। हाँ जी। SE। DK। डी भाग बोस, ये नाम है आपका? हाँ जी, वो मेरे पापा ने यही नाम रखा था मेरा। ये कंटिन्यूशन में है सर कि बीच में, मतलब अलग अलग है? भाग और बोस में स्पेस है, बाकी साथ है। अच्छा अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए जी। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हाँ जी, 15th अगस्त 1947, 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ था। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा यार, अरे मेरी आवाज से ऐसा लग रहा हूँ बहुत जवान हूँ, बट बेटा मैं बहुत पुराना चावल हूँ, सच में मेरी आवाज से लग रहा होगा सिर्फ। चलो सर कोई ना। अच्छा, अब आप अपना डेबिट कार्ड नंबर अपडेट करा दीजिए सर। डेबिट कार्ड? तो डेबिट कार्ड क्यों चाहिए? अरे डीके साहब, आपका डेबिट कार्ड जो है वो लिंक है आपके अकाउंट से, तो अब केवाईसी और डेबिट कार्ड से अटैच करके मिक्स करके करना पड़ेगा ना। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, लिखिए 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 लिखिए। हाँ जी बताओ, लिखिए 1 2 1 2 4 5 7। सर कोई डिस्टरबेंस आ रही है बीच में, कोई बच्चा है बीच में या कोई है, आप फिर से बता देंगे एक बार? डिस्टर्बेंस? अच्छा अच्छा, फिर से लिखिए, मैं बताता हूँ। हाँ जी हाँ जी। 1 2 1 2 4 5 7 लिख लिया। अरे सर आप क्यों मजाक कर रहे हो, अगर आपको केवाईसी नहीं हुआ ना तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। सर मेरे को मत बोलना मजाक करे लगे, सोरे सोरे सर, कितने काम है। तुम्हारा अकाउंट फ्रीज करेगा? बड़ा सुनो, जिस स्कैम के स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, वहां का प्रिंसिपल मुझसे कोचिंग लेता है, तो ये स्कैम की दुकान है ना, कहीं और जाके चला रहा है, ठीक है। तू मेरा केवाईसी फोन पे करेगा? अबे फ्रॉड करना बंद कर दो यार, शर्म करो, कुछ तो नया लेके आओ। अरे सुनो, तेरा नाम है बोस डीके या तो सच्ची में है? तेरा तो मैं फोन हैक कर लूंगा, काम कर, फिर देखियो क्या होता है तेरे साथ। बड़ा आया डी बोस, डीके बोस, मेरा फोन हैक करेगा? बेटा सुन, जिस पे तूने फोन किया है ना, पहले ना पूरा अपनी तैयारी करा करो, होमवर्क करा करो। जिस पे तूने फोन किया है ना, उसमें बैंक अकाउंट तो छोड़, या बैंक डिटेल्स तो छोड़, व्हाट्सएप भी नहीं है, तो तू मेरा फोन तो भूल जा कि हैक कर पाएगा, बाकी जो करना कर ले। तेरी आवाज कट गई, क्या कह रहा है? हेलो, तेरी आवाज कट रही, तेरे से गाली भी नहीं दी जा रही। सब कटेगी, सब आवाज कटेगी बेटा, तेरे को मैं बताऊंगा। क्या कह रहा है बोलना?
रहा है, चल यहाँ से। काट दिया। ओ, मजा आ गया दोस्तों। देखो जो मैंने तुझसे मजे लिए, बट ये वीडियो ना और ये इन्फॉर्मेशन जरूर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर करें, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ। बिकॉज क्या होता है ना, ये जो केवाईसी की जो बातचीत कर रहा था ना कि आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे और आपका अकाउंट पैसे नहीं निकाल पाएंगे, ये सब कह के ना डराते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको नहीं पता होता और वो जल्दी से अपने डेबिट कार्ड डिटेल्स और ये CVV नंबर ये सब दे देते हैं, जिससे उनका अकाउंट खाली कर देते हैं लोग। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को, बुजुर्गों को और आप लोग भी समझिए कि कोई भी KYC के लिए बोले, फ़ोन पे या कुछ भी बोले, अपनी डिटेल्स बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर KYC करवाना ही है तो बैंक जाके करवाइएगा और इन सब फ़ोन पे पंगों में मत फंसिएगा डेबिट कार्ड, बिकॉज योर सेफ्टी इज़ इन योर हैंड। सो आप हमेशा अवेयर रहिए, इन सब फ्रॉड से थोड़ा बच के रहिए और ये नए नए फ्रॉड्स रोज़ आते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए, एकदम किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन ना दीजिए, ठीक है। तो आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बड़ा मज़ा बहुत आया वीडियो बना के।